15 साल से चल रही शुगर रोग की दवा डायबिटीज की दवा सिर्फ 9 दिन में बंद हो गई। इन सिर्फ 2 पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाकर खाने से। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चमत्कारी 2 पत्तियों के बारे में बताऊंगा, यदि आप उनको सुबह खाली पेट चबाकर खाते हैं। और इसके साथ में जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, यदि आप उस नुस्खे को भी ले लेते हैं तो दोस्तों आपकी ये शुगर की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों इंसुलिन लगनी भी बंद हो जाएगी और आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल आ जाएगा। वैसे दोस्तों यदि आप घर बैठे ही शुगर की दवाई मंगाना चाहते हैं, शुगर की दवा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अभी जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके शुगर रोग की दवा अपने घर पर ही मंगा सकते हैं और इस बारे में बात कर सकते हैं। तो चले दोस्तों आपको बताते हैं उन 2 चमत्कारी पत्तियों के बारे में और उस चमत्कारी नुस्खे के बारे में। दोस्तों ये नुस्खा इतना कारगर है कि यदि आपका शुगर लेवल आज की डेट में 300 या फिर 400 तक भी रहता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल 100 पर आ जाएगा इन 2 पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाकर खाने से और इस नुस्खे को खाने से आधा घंटा पहले लेने से। दोस्तों भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है। दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के खून में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। दोस्तों हम जो खाना खाते हैं वह पेट में जाकर एनर्जी में बदलता है, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब काम होता है इस एनर्जी या ग्लूकोज को हमारी बॉडी में मौजूद लाखों सेल्स के अंदर पहुंचाना, और यह काम तभी संभव है जब हमारे अग्नाशय में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस हो। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं कर सकता और तब हमारे सेल ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा पहुंचाते हैं। जब यह प्रक्रिया सही रूप से नहीं होती तब ही उस व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ जाता है और हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज की शुगर रोग की बीमारी है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आज के इस नुस्खे को अपनाने के बाद चाहे आपका शुगर लेवल 300 रहता हो या फिर 400, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन चमत्कारी पत्तियों के बारे में। पहला, तुलसी की पत्तियों से डायबिटीज रोग का इलाज। तुलसी की पत्तियां अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं की गतिविधियों को सुचारू बनाए रखती हैं। इससे ये कोशिकाएं सही मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करती हैं और ब्लड शुगर का स्तर काबू में रहता है। डायबिटीज पीड़ितों के लिए हर रोज सुबह खाली पेट 2 से 4 तुलसी की पत्तियां चबाना बेहद अधिक फायदेमंद होता है। पपीते की पत्तियों से डायबिटीज का इलाज। पपीते के पत्ते के सेवन से शरीर की इंसुलिन के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ती है। इसके सेवन से ग्लूकोज तेजी से ऊर्जा में तब्दील होने लगती है। पपीते के पत्ते लीवर बढ़ने, किडनी के खराब होने के खतरे को कम करने में बेहद अधिक कारगर है। हर रोज सुबह 2 पत्तियों को आप ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं या फिर उनको पानी में उबालकर भी आप पी सकते हैं। नीम की पत्तियों से डायबिटीज का इलाज। आंत को ग्लूकोज सोखने से रोकने के अलावा नीम की पत्तियां इंसुलिन के इस्तेमाल से शरीर की क्षमता भी बढ़ाती हैं। इसके सेवन को डायबिटीज की दवाइयों पर निर्भरता घटाने में बेहद अधिक कारगर माना जाता है। हर रोज सुबह 2 नीम की पत्तियां पीसकर उनसे 1 चम्मच रस निकालकर 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है, या फिर ऐसे ही आप 2 पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं। आम की पत्तियों से डायबिटीज का इलाज। दोस्तों विशेषज्ञ डायबिटीज के मरीजों को आम का सेवन करने से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां बीमारी की रोकथाम में बेहद अहम भूमिका निभा सकती हैं। दरअसल आम की पत्तियां ग्लूकोज सोखने की आंत की क्षमता घटाती हैं, इससे खून में शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। आम की पत्तियां सुखाकर आप पाउडर बना लें। खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी में आधा चम्मच घोलकर पीने से बहुत अधिक लाभ होता है, या फिर आप आम की पत्तियों को पानी में उबालकर भी पी सकते हैं, या फिर इनको ऐसे ही 2 पत्तियों को चबाकर भी खा सकते हैं। कड़ी पत्ते की पत्तियों से डायबिटीज रोग का इलाज। कड़ी पत्ते में मौजूद आयरन, कॉपर जैसे मिनरल न सिर्फ अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं, बल्कि जिससे ये कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन तेज कर देती हैं। डायबिटीज पीड़ितों के लिए हर रोज सुबह खाली पेट 2 से 4
कड़ी पत्ते चबाना बेहद अधिक फायदेमंद होता है। जामुन की पत्तियों से डायबिटीज रोग का इलाज। जामुन की पत्तियों में मौजूद मायरलिन नाम के यौगिक को खून में शुगर का स्तर घटाने में बेहद अधिक कारगर पाया गया है। ब्लड शुगर बढ़ने पर सुबह जामुन की 2 से 4 पत्तियां चबाना बेहद अधिक कारगर हो जाता है, क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। गुड़मार की पत्तियों से डायबिटीज रोग का इलाज। अग्नाशय में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाने वाली गुड़मार की पत्तियां शुगर रोग के लिए एक चमत्कारी दवा है। इसके सेवन से ग्लूकोज के ऊर्जा में तब्दील होने की गति बढ़ती है। मीठे की तलब शांत करने में भी इसे बेहद अधिक असरदार माना जाता है। विशेषज्ञ सुबह खाली पेट गुड़मार की 2 से 3 पत्तियां चबाने की सलाह देते हैं और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पीने की सलाह देते हैं। दोस्तों, हमने अभी आपको ये जिन भी पत्तियों के बारे में बताया, इनमें से आप कोई भी 2 पौधों की पत्तियों को आपने सुबह 2-2 पत्तियां लेनी है और उनको चबाकर खाना है। ये काम आपने हर रोज करना है। दोस्तों, इससे होगा क्या? इससे दोस्तों आपके शरीर में जो इंसुलिन बनता है उसको आपका शरीर पूरा प्रयोग करेगा और आपकी शुगर लेवल को आप तब ही कंट्रोल कर सकते हैं जब आपके शरीर में इंसुलिन बने। पर उससे भी अधिक जरूरी है कि आपका शरीर उस इंसुलिन का इस्तेमाल भी करे, तब ही आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा। अब बात आती है दोस्तों उस नुस्खे की जिसको आपने इसके साथ लेना है। उस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह चाहिए करेला 150 ग्राम, जामुन 150 ग्राम, मेथी दाना 150 ग्राम, मेथी पत्ता 120 ग्राम, मेथी चंपा 120 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, नीम के पत्ते 100 ग्राम, बेलगिरी 100 ग्राम, चिरियता 50 ग्राम, बेलगिरी पत्ता 100 ग्राम, नीम की निमोली 100 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 10 ग्राम, अशावगंधा 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम। दोस्तों, आपको ये सभी सामग्री किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इनको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारी औषधि तो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कुछ इसमें सामग्री जैसे शिलाजीत टाइप वो आपके शरीर की कमजोरी और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, तो आपने ये सभी सामग्री लेनी है और इसको आपने कूट पीस कर इसका चूर्ण बना लेना है, बारीक चूर्ण, और उसको किसी कांच के बर्तन में आपने भरकर रख लेना है। अब बात आती है इसके सेवन की विधि की। दोस्तों, आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट तो आपने हर रोज वो 2 पौधों की पत्तियां चबा चबा कर खानी है, 2-2 पत्तियां, और उसके बाद जब भी आप खाना खाएं यानी सुबह और शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने इस पाउडर की आधा आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है और इसको लेने के आधा घंटे के बाद आपने नाश्ता और शाम को डिनर करना है। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे और 9 दिन के बाद यदि आप अपने शुगर का लेवल चेक करेंगे तो दोस्तों आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, बिल्कुल 100 मिलेगा। चाहे आपकी शुगर 300-380, 400-480 तक भी हो, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। और दोस्तों, ना आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा बल्कि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति भी इस नुस्खे को लेने से बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, आपके शरीर की कमजोरी का भी इलाज हो जाएगा। और इस डायबिटीज की बीमारी के कारण हमारे शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं आप उन सब से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, यदि आप भी 15 साल से चल रही अपनी शुगर रोग की दवा को बंद करना चाहते हैं तो आज से ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाकर लेना शुरू कर दीजिए। वैसे इस वीडियो में जो नंबर आप देख रहे हैं आप उस पर कॉल कर भी अपने लिए ये शुगर रोग की दवा अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।